जय माईकी। मां बगलामुखी के प्रत्येक साधक की यह अभिलाषा होती है कि वह भी अपने आप से ही, स्वयं से ही माई का हवन करे, किंतु उसे हवन की जो विधि है, हवन की जो पद्धति है, वह थोड़ी सी क्लिष्ट प्रतीत होती है, कठिन प्रतीत होती है। ऐसी परिस्थितियों में उसकी जो मन की इच्छा है वो मन में ही रह जाती है, और उसे प्रायः यह भी पता नहीं होता कि उसे हवन करने के लिए जिस सामग्री का उपयोग सामान्य रूप से करना चाहिए वह सामग्री क्या है, किस तरह से हवन करना चाहिए, कुंड में हवन करना चाहिए, वेदी में हवन करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उसके पास कोई उत्तर नहीं होते। तो आइए आज एक संक्षिप्त बगलामुखी हवन विधि पर चर्चा आपके सामने रखते हैं। जो माई का हवन करना है, उस हवन में जो आवश्यक सामग्री है, पहले इसको समझ लेते हैं। जो सामान्य रूप से हवन किए जाते हैं माई की कृपा प्राप्ति के लिए, जिसमें कोई आपकी विशेष अभिलाषा नहीं है, उसके लिए आपको किस सामग्री का उपयोग करना है, वह इस प्रकार है। सबसे पहले आपको काले तिल लेना है। अब ये जो काले तिल हैं, ये जितनी मात्रा में होंगे उसकी आधी मात्रा में आपको चावल लेने हैं, और फिर जो चावल की मात्रा है उसकी आधी मात्रा में आपको जौ, जिसे जवा कहते हैं, वह आपको लेना है। फिर आपको उसी के अनुपात से, अनुपात के अनुसार उसमें शर्करा मिलानी है। शर्करा दो प्रकार की होती है, एक शक्कर जो मोटे दाने की शक्कर होती है, और एक जो बारीक बूरा होता है। प्रयत्न करें कि आप बारीक बूरे का उपयोग करें, अथवा जो ब्राउन शुगर है उसका आप उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आपको अनुपात के अनुसार इस सामग्री में हल्दी पाउडर मिलाना होता है, पिसी हुई हल्दी को मिलाया जाता है। फिर अनुपात के अनुसार उसमें घी डाला जाता है, फिर पंचमेवा मिलाई जाती है, फिर उसमें गूगल डाला जाता है, फिर अगर तगर जटामासी इत्यादि सामग्री को उसमें मिलाया जाता है, और इन सभी का एक जो मिश्रण तैयार होता है उसको हम कहते हैं हवन साकल्य। इस प्रकार से इस साकल्य को तैयार करना चाहिए। हवन साकल्य तैयार होने के उपरांत आपको पूजन सामग्री भी समझ लेना चाहिए। पूजन की जो सामग्री है वो प्रायः हम सभी को ज्ञात होती ही है। रोली, चंदन, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, ये सभी प्रकार की यज्ञोपवीत, कलावा, इत्र, ये सभी प्रकार की सामग्री होती है। इससे हम षोडशोपचार पूजन करते हैं। तो जो षोडशोपचार पूजन की सामग्री है वह सभी हमें एकत्रित करके थाली में लगा करके रख लेना चाहिए। इतना सब होने के बाद आपको एक हवन कुंड की भी आवश्यकता होती है। अब हवन की जो वेदी है या कुंड है वह दो तरह से निर्मित किया जाता है। एक तो वेदी के रूप में आप उसको निर्मित कर सकते हैं, तो एक छोटी सी स्थंडल वेदी बना लें, शास्त्रों में उसको स्थंडल वेदी कहा जाता है, अथवा आप एक छोटा सा हवन कुंड ले लें। हवन कुंड लेते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हवन कुंड लोहे या स्टील का ना हो। हवन कुंड या तो पीतल का होना चाहिए या तांबे से निर्मित होना चाहिए।
लोहे के पात्रों को हवन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। और इसके साथ एक नियम और भी है कि जो स्थंडल वेदी है या जो छोटे हवन कुंड हैं, जिन्हें हम स्थंडल वेदी के रूप में उपयोग करते हैं, वो सब का विधान ये है कि उसमें केवल एक माला का ही हवन किया जा सकता है। उससे अतिरिक्त अगर आपको ज्यादा हवन करना है तो आपको विधिवत कुंड की संरचना करना होती है और उसमें ही आपको हवन करना होता है। तो सामान्य रूप से जो साधक घर में हवन करना चाहते हैं उनके लिए एक माला का हवन पर्याप्त होता है। तो ये सभी सामग्री आप जब जुटा लेते हैं और फिर जब आप हवन करने के लिए तैयार होते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने गुरु जी के चरण कमलों का ध्यान अपने ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। विधिवत ध्यान बोलते हुए उन श्री गुरु चरणों का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करें, फिर आप आचमन करें, फिर आप आचमन करने के उपरांत पवित्री धारण करें, भूमि का शोधन करें, आसन का संरक्षण करें, प्राणायाम करें, शिखा बंधन करें, गले में रुद्राक्ष माला को धारण करें, दिशाओं का बंधन करें, दिग्बंधन करें। इन सभी के छोटे छोटे मंत्र हैं, इनमें से जो जो आपको ज्ञात हैं और जिन्हें आप सरलता से कर सकते हैं उन सभी को आपको विधिवत करना चाहिए। और अगर आप स्वस्ति वाचन करना जानते हैं तो स्वस्ति वाचन भी कर लेना चाहिए। इतना सब करने के उपरांत आपको विधिवत संकल्प करना होता, जिसे हम प्रतिज्ञा संकल्प कहते हैं। हम किसी कार्य को कर रहे हैं उसकी हम पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस कार्य को इस नक्षत्र में, इस दिन, इस योग कर्ण में, इस मुहूर्त में, इस स्थान पर, इस प्रकार से सभी प्रकार के देश काल का उच्चारण संकल्प में किया जाता है। और हाथ में जो आपको लेना होता है वो लेना होता है एक सुपाड़ी, पीला अक्षत, एक पुष्प, कुछ द्रव्य दक्षिणा, ये सभी सामग्री आपको प्रायः हाथ में लेना होती है। इस प्रकार से ये सामग्री को लेकर के देश काल का उच्चारण करते हुए आपको अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करना होता है, कामना का उच्चारण करना होता है, किस लिए आप यह हवन करना चाहते हैं। तो कामना का उच्चारण करें और इसमें कोई अधिक कामनाएं न जोड़ें। अच्छा यही होगा कि केवल माँ की कृपा की प्राप्ति और गुरु चरणों की कृपा की प्राप्ति के लिए ही हवन करें, क्योंकि जब कृपा प्रसाद की सिद्धि हो जाती है तो सभी कुछ सिद्ध हो जाता है। तो संकल्प के अंत में आपको बोलना चाहिए, श्री पीताम्बरा मातुश्चरणयो श्री गुरु चरण कमलयोश्च कृपा प्रसाद सिद्धि द्वारा मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम श्री पीताम्बरा बगलामुखी हवनम करिष्ये। इतना आपको बोल देना चाहिए। ये संकल्प करने के उपरांत आपको जो वेदी है या कुंड है उसमें जो मेखलाएं हैं उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करना चाहिए, उनका संक्षिप्त पूजन करना चाहिए। और कुछ न कर सकें तो पुष्प में चंदन रोली सिंदूर चावल लगा करके अर्पण कर दें, और बीच में जो योनि शक्ति है उसका भी पूजन करना चाहिए। जब ये पूरा पूजन संपन्न हो जाता है तो आपको किसी 12 वर्ष से कम उम्र की कन्या को आमंत्रित करना चाहिए और उससे विधिवत आपको उसका पूजन करते हुए उससे अग्नि को बुलाना चाहिए, अग्नि को मंगाना चाहिए। तो किसी पात्र में कन्या उस अग्नि को लेकर के आपके समक्ष आए तो आप कन्या का विधिवत भगवती के स्वरूप में पूजन करें, उसको दान दक्षिणा दें, कुछ नैवेद्य दें, चरण स्पर्श करें, उसका आशीर्वाद ग्रहण करें और फिर उसी अग्नि को आप अपनी वेदी या कुंड में स्थापित कर दें। फिर उस अग्नि को स्थापित करने के उपरांत आपको अग्नि स्थापन की जो मुद्राएं हैं उनको
उपयोग करना चाहिए, अग्नि स्थापन करना चाहिए, अग्नि का ध्यान बोलना चाहिए, अग्नि का पूजन करना चाहिए, और फिर संक्षिप्त पूजन करने के उपरांत आपको अग्नि से प्रार्थना भी करना चाहिए। इन सब के भी छोटे छोटे से मंत्र हैं जो आप आनंद के साथ कर सकते हैं। इतना करने के उपरांत आपको जो संविधाएं हैं, जो गोघृत है जिसका उपयोग आप हवन के लिए करने वाले हैं, और जिस साकल्य का आपने पहले ही निर्माण किया हुआ है, उस सब का अभिमंत्रण करना चाहिए। उस सभी पर मां के मंत्र को मन में बोलते हुए उस पर जल छिड़क देना चाहिए और अपने हाथ से उसका अभिमंत्रण करना चाहिए। इतना सब करने के उपरांत फिर आपको गोघृत से हवन करना आरंभ कर देना चाहिए। तो सबसे प्रथम जो आपको आहुतियां डालनी हैं वे इस प्रकार होती हैं, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। जब आप प्रजापतये स्वाहा बोलते हैं तो सुरभा के माध्यम से जो घी आपने लिया हुआ है उस गोघृत को आप अग्नि में छोड़ते हैं, और जब आप इदम प्रजापतये नमः बोलते हैं तो जो प्रोक्षणी पात्र है उसमें दूर से उस घी की एक बूंद को गिराते हैं। इसी तरह से आगे की जो आहुति है उसको आप बोलते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। आगे बोलते हैं, ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। फिर आगे बोलते हैं, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। इसके बाद ओम भू स्वाहा, इदम अग्नये नमः। ओम भुव स्वाहा, इदम वायवे नमः। ओम स्व स्वाहा, इदम सूर्याय नमः। इस प्रकार से ये आहुतियां करने के उपरांत आप गणपति के मंत्र को बोलते हुए गणपति के लिए सर्वप्रथम आहुति देते हैं, फिर आपको भगवती गौरी का ध्यान करते हुए उनके लिए एक आहुति छोड़ना होती है, फिर आपको नवग्रहों के निमित्त जो नौ प्रकार की समाधा है उसको घी में भिगोते हुए आपको एक एक नवग्रह के मंत्र का अथवा नाम मंत्र का स्मरण करते हुए बोलते हुए आपको उनकी नवग्रहों की आहुतियां अग्नि में देना होती। फिर यदि आपने किन्हीं और देवों का आवाहन किया हुआ है तो आवाहित देवताओं का हवन करना चाहिए। इतना करने के उपरांत फिर आपको माई के हवन करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए आपको त्रिखंडा मुद्रा का उपयोग करते हुए एक पुष्प का चयन करना होता है, पीत पुष्प का चयन करना चाहिए। फिर अपने हाथों से सर्व त्रिखंडा मुद्रा बनाते हुए उस पुष्प को हाथों में धारण करते हुए भगवती का विधिवत ध्यान करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए, अग्नि के मध्य भगवती का आवाहन करना चाहिए जो अग्नि स्वरूपा है, उन भगवती का ध्यान करना चाहिए। और फिर विधिवत जितना आप उन भगवती का पूजन, माई का पूजन कर सकते हैं, उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन करने के उपरांत आपको जो बगला क्रम प्राप्त है, अर्थात सबसे पहले हरिद्रा गणपति का, फिर जो माई के भैरव हैं उनका, फिर माई के जो शिव हैं उनका, फिर माई के क्रमशः मंत्रों का जप, पूरे क्रमशः क्रम के अनुसार, जैसे सबसे पहले बीजाक्षर, फिर मंत्राज, फिर अष्टाक्षर, फिर मंदार मंत्र, फिर मूल मंत्र, इन सभी के विधिवत मंत्रों के विनियोग न्यास ध्यान करते हुए आपको विधिवत हवन करना चाहिए। और जब ये पूरा हवन संपन्न हो जाता है तो माई का जो अष्टोत्तर शत नामावली है उसके अनुसार भी आपको 108 नामों से आहुतियां देना चाहिए। जब इतना सब आप संपन्न कर लेते हैं तो फिर आपको नारियल का बलिदान करना चाहिए, उसको तोड़ करके उसका बलिदान कर देना चाहिए। और जब नारियल का बलिदान संपन्न हो जाता है तो फिर आपको पूर्ण आहुति तैयार करना चाहिए। प्रयत्न करें कि पहले से ही पूर्ण आहुति तैयार करके रखें।
नारियल के गोले में गौघृत भर के उसमें हल्दी इत्यादि डाल करके, शर्करा इत्यादि डाल करके आपको उसे पीले या लाल वस्त्र से सुशोभित करते हुए उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के उपरांत जो मंत्र है ओम पूर्णा दर्वी, इस मंत्र का पूरा उच्चारण करते हुए, और फिर अगर ये वेदोक्त मंत्र आदि आपको नहीं आता है तो ओम पूर्ण मिदह, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अथवा इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको विधिवत पूर्णाहुति करना चाहिए। पूर्णाहुति संपन्न होने के बाद आपको वसोधारा करना चाहिए। जो घृत का पात्र है, जिस घृत के पात्र से आप आहुतियां डाल रहे थे, जिसको सुरवा से घी ले रहे थे, वो घृत का पात्र जो आपने स्थापित किया हुआ है, उस पात्र को लेकर के शुचि के माध्यम से आपको वसोधारा करना चाहिए। और उसका भी एक मंत्र है, वसो हो पवित्र मसी, इस मंत्र से आपको विधिवत वसोधारा कर देना चाहिए। इतना करने के उपरांत आपको जो भस्म है उसको विधिवत धारण करना चाहिए। भस्म को कुंड से लेकर के सर्वप्रथम अपने इष्ट देवी को निवेदन करना चाहिए, गुरु को निवेदन करना चाहिए। फिर यदि कुछ पूज्य व्यक्ति वहां उपस्थित हैं तो उनको भस्म धारण कराना चाहिए, और फिर अंत में आपको भी भस्म धारण कर लेना चाहिए। इसका भी मंत्र है विधिवत, इस मंत्र को के माध्यम से आपको भस्म धारण कर लेना चाहिए। इतना करने के उपरांत फिर आपको माई की आरती करना होती है, तो विधिवत आरती करें, पुष्पांजलि करें, माई से क्षमा प्रार्थना करें, और ये क्षमा प्रार्थना करने के उपरांत आपका यह जो हवन का कर्म है ये लगभग पूर्ण हो जाता है। लगभग पूर्ण हो जाता है इसका अर्थ ये है कि इसमें केवल एक ही अंग इसका शेष बचता है, और वह है अंत में कन्या वटुक का भोजन। तो जिस कन्या के माध्यम से आपने अग्नि को आमंत्रित किया था, उस कन्या को और जितनी भी कन्याओं को आप आमंत्रित कर सकते हैं, उन कन्याओं को और बटुक को अथवा बालक को और बालिका को, दोनों को बिठा करके आपको विधिवत पूजन उनका करना चाहिए। पूजन करने के उपरांत उनको नैवेद्य इत्यादि देना चाहिए, उनको दक्षिणा देना चाहिए, और दक्षिणा देने के बाद फिर उन्हें विधिवत भोजन कराना चाहिए। भोजन कराकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, और फिर अंत में जो सबसे आवश्यक कार्य है जो आपको करना ही चाहिए, वह अपने गुरु चरणों में प्रणाम निवेदन करना चाहिए, और जो भी आपके पास सामर्थ्य है वह गुरु चरणों में निवेदन कर देना चाहिए। वह धन के रूप में हो, वस्त्र के रूप में हो, पत्र पुष्प के रूप में हो, जिस किसी भी रूप में हो, जो भी आपको सामर्थ्य भगवती ने दिया हुआ है उसी सामर्थ्य के अनुसार गुरु चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह से इस संक्षिप्त विधि को आप अगर अपने घर में भी करते हैं तो भी आप भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से साधकों का ऐसा आग्रह था कि माई की एक छोटी सी संक्षिप्त विधि के संबंध में चर्चा की जाए, जिससे जब भी उनका मन हो नवरात्रि इत्यादि पर्वों में, या कभी भी जब उनका मन हो तो माई के एक छोटे से हवन को वो अपने घर में ही कर सके। उन्हें किसी विशेष प्रकार के व्यक्तियों की या विशेष सामग्रियों की आवश्यकता ही ना हो। तो हम आशा करते हैं और माई से प्रार्थना करते हैं कि आप इस विधि को पूरा करके अवश्य ही माई की कृपा का लाभ प्राप्त करेंगे। जय माई की।